बसई नाका थाना क्षेत्र के कुली बाजार में चौकी इंचार्ज द्वारा महिला के पीटने जाने के मामले को लेकर आज पीड़ित महिला ने कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर पीड़ित महिला ने बताया कि वह कुली बाजार में अपने पति के साथ रहती है। बीती 17 अक्टूबर की रात को चौकी इंचार्ज अंकित कांस्टेबल बबलू कुमार, पवन कुमार, महिला कांस्टेबल रीमा पाल आदि लोग आकर घर में जबरन घुसाए और मारपीट की। घटना के मौजूद नाबालिग पुत्री भी मौजूद थी और साथ ही साथ उन्होंने भद्दी भद्दी गाली दी तथा जान से मारने की धमकी भी दी है। हम इसलिए कर रहे हैं कि अंकित कटारा ने मेरे तमाचा मारा है घर के आपसी विवाद में। हम क्षेत्र बटा 375 में रहते हैं, कुली बाजार का मेरा एरिया लगता है। अंकित खटारा 17 तारीख की रात गुलशन मेरी जिठानी उर्फ जक्का, वो पुलिस भी आई थी, उसने अंकित खटाना अचानक तीसरी मंजिल पर धड़धड़ा कर चलते चले आए। हम नमाज पढ़ रहे थे या प्रेयर कर रहे थे, हमने देखा, हमने सर आप कैसे आ गए, उन्होंने इतनी तेज तमाचा मारा है, मेरा गाल लाल हो गया। ये देखिए दांत हिला, उसने इतनी तेज मारा। जब हमने कहा आपने मेरे घर के मर्द नहीं है, कोई है नहीं, तो उसने कहा कि हम तुम्हें फर्जी केस में जेल में डाल देंगे, हमें इंसाफ नहीं मिला, मेरी 10 साल की बच्ची गवाह, हम गवाह। कौन है आपकी जिठानी? गुलशन जक्का, गुलशन नाम है, गुलशन बेगम जक्का। वो इस माने परेशान करती, घर से निकालने की हमें धमकी देती है, घर में नाजायज 5 जगह कब्जा जमाए हुए, इस मारे घर से कहती निकलो हमसे। अभी तक किसी बड़े अधिकारी से मिलने गए थे अधिकारी से, सर मेरी अधिकारियों ने कुछ नहीं सुनी है। अगर आपको न्याय नहीं मिले तब आगे क्या करेंगे? हम आगे वही पुलिस चौकी लोहा मंडी पास वही जान दे देंगे अपनी। अब इसका जिम्मेदार होगा अंकित कटारा और गुलशन, ये दोनों जिम्मेदार होंगी। अगर हमें न्याय नहीं मिला, हम योगी जी से भी मदद करते हैं, योगी जी से महिला शक्तियों का सम्मान करा जाए, महिलाओं को मार पड़ेगी, तमाचों से मारे जाएगी महिला। हम लोग सुरक्षा नहीं, हमें धमकी दी जा रही है, एक एक लड़का महल्ले का भेज रहा है धमकी देने के लिए।